हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो स्केल। और दो स्केल क्या है, एक है बाथरूम स्केल और एक है पर्सनल स्केल। और दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये कैसे यूज़ होते हैं और कैसे चलते हैं वो भी मैं प्रॉपर आपको दिखाऊँगी कि कैसे यूज़ होते हैं, आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। देखो, एक ये है बाथरूम स्केल, ये लिखा हुआ है, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। अभी मैं सीधा दिखाऊंगी और इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कैसे यूज होता है ये। और ये है पर्सनल स्केल, है तो दोनों एक जैसे ही, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आप देख लीजिए। दोनों का डेमो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? मैं इसको फोटो दिखाती हूँ क्या है ये और कैसे दिखता है ये। उसके साथ इसका कैटलॉग भी दिया हुआ है, चाइनीज में लिखा हुआ है। ये ना पूरा कांच का है, थोड़ा संभल कर दिखा रहा हूँ आपको। और ये सेल का दिया हुआ है, सेल लगाने मैंने आपको अभी बताया थे ना किचन इसके का डेमो दिया था, तब मैंने आपको बताया था कैसे कैसे सेल लगते हैं, ठीक है? अभी मैं इसको दिखाऊंगी आपको, इसका वेट भी करके दिखाऊंगी मेरा वेट कितना है और किस टाइम कैसे वेट करना चाहिए अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको पर्सनल स्केल, ये है पर्सनल स्केल। ये थोड़ा हैवी है, ये काफ़ी हैवी है, ये बहुत हल्का है। बाथरूम स्केल जो है ना वो बहुत हल्का है, और जो पर्सनल स्केल है ये बहुत हैवी है। अभी देखते हैं हम दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, एक ही चीज़ है या कुछ और एक कर भी दिया था। नाम है पर्सनल स्केल, है दोनों वेट करने के लिए ही। ये काफ़ी हैवी है, इसमें कफन गिलास लगा हुआ है, वैसे कहीं नहीं जा रहे। आप इसके ऊपर पोत भी सकते हो, उसके ऊपर आप सिलेंडर भी तोड़ सकते हो, लेकिन देखने में कांच का ऐसा लगेगा कि टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं दोनों के ऊपर आपको वेट करके दिखाऊंगा। तो अब हम वेट करते हैं, और ये ना ऑटोमेटिक है, जब आप इसके ऊपर चढ़ोगे ना ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, और जब उतर जाओगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये भी ऑटोमेटिक है, दोनों ऑटोमेटिक है, इसमें ऑन ऑफ का कोई चक्कर नहीं है, कोई बटन नहीं है। और नीचे सिर्फ एक सेल दिए हुए हैं, सेल लगाने का दिया हुआ है, सेल लगाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप इसको रखें ना, सेल निकाल कर रखें, नहीं तो जल्दी सेल ख़राब हो जाएंगे आपके। और देखो दोनों में सेम है, 62 है मेरा वज़न, बाप रे बढ़ गया है मेरा वज़न 62। वैसे अगर मैं खाली पेट करूँगी ना तो 61 आएगा। आप सुबह खाली पेट करके देखना, फिर खाना खाने के बाद करके देखना, तो दोनों में डिफरेंस आता है। वेट आपने देख लिया। अब इनके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 850 है और 750, 750। और ये हल्का भी है और मुझे ये अच्छा लगा है, ये सस्ता भी है। दोनों में वजन सेम ही है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, जैसे कि नाम का फ़र्क होता है, वरना दोनों काम एक ही करते हैं। आप इस पर सिलेंडर भी खोल सकते हैं। भी भारी है और इसका प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं। इस पर भी आप सिलेंडर भी तोड़ सकते हैं, कितना भी भारी वजन हो वो भी तोड़ सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका नाम बाथरूम स्केल इसीलिए है, अगर आप सुबह सुबह खाली पेट वह वेट करोगे ना तो वेट में फ़र्क आएगा। अगर दिन में करोगे तो 1 किलो आपका बढ़ा हुआ वह आएगा। आप वेट करके देखना, सुबह खाली पेट यानी बाथरूम में आप तुलना तो वेट कम आएगा, ओरिजिनल जो आपका वेट होगा वो आएगा। उसके बाद आप खाना खाने के बाद जैसे वेट करोगे तो वेट ज़्यादा आएगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी भी आप एक गिलास, जैसे अभी वेट किया फिर एक गिलास पानी पी लो, तो उसका भी वेट ये आपको बताएगा, यानी आपके शरीर में ही जा रहा है ना, तो सारा वेट ये आपको बताएगा आपके शरीर का कितना वेट है। तो गाइस, आपको कौन सा स्केल पसंद आया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।